हथियारों के बल पर दिया ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने की घटना को अंजाम। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर अंकुश लगाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और तमाम जगह देखा भी जा रहा है कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मगर फिर भी अपराधियों में प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया कोसी कला थाना के अंतर्गत गांव खरौट से, जहां तमंचा दिखाकर ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जुबेर ने बताया कि कल हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली की रिपेयरिंग के लिए खरौट होते हुए कोसी को जा रहा था। खरौट निकलते ही रास्ते में बाइक सवार कुछ लोगों ने तमंचा दिखाकर ट्रैक्टर को रोक लिया और गोली मारने की धमकी देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को छीन कर भाग गए। आपको बता दें कि हमने तुरंत 112 नंबर पर कॉल की, मगर बिजी होने के कारण फोन लगा नहीं। फिर हम तुरंत थाना कोसी कला पहुंचे और वहां पर अपने साथ हुए घटना का प्रार्थना पत्र दिया, मगर एक दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सीओ साहब से मिले हैं। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपको न्याय दिलाया जाएगा। नाम है आपका? जुबैर। कहाँ के रहने वाले हो? कोसी कला। क्या कारण है जो आप यहाँ पे आए हो? मैं गया था कल खरौट गांव रीपर लेने के लिए और वहाँ से रीपर लेकर आ रहा था तो महेंद्र रीपर ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहा था। महेंद्र एक महेंद्र और उसके संग उसके दो लड़के थे, तरुण और गौरव, और एक वो था सुंदर और एक राजू। उन्होंने तमंचे के बल पे ट्रैक्टर छिना लिया और बोलने लगे कि भाग जाए यहाँ से, नहीं वरना गोली मार देंगे। तो मैंने पूछा क्यों ट्रैक्टर छिना रहे हैं, क्या बात है बताओ? तो बोल रहे कि भाग यहाँ से नहीं वरना गोली मार देंगे। और ये धमकी दे रहे थे कि यहाँ जो खेत वेतों पर आए तो भी जान से मारने की धमकी दी है, उन्होंने जान से मार देंगे और बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। और मेरा ट्रैक्टर अभी तक भी उनके ही पास है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रैक्टर आए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो और वो जेल पहुँचाए जाएँ। मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, थाने में भी दे चुका हूँ, कोसी कला और गोपालबाग चौकी पर भी दे चुका हूँ, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी। ये कब की घटना है? कल की है जी। तो कल से आपने 112 पे कॉल किया था? 112 पे कॉल किया था, वो सेवा में नहीं था इस कारण कॉल नहीं लगा। तो आपने अब यहाँ पे क्षेत्राधिकारी के लिए एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन दिया है? यही दिया जी हमारी मदद हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, जेल पहुँचाई जाए, हमारा सामान हमें दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोसी कला। क्या कारण है जो आप क्षेत्राधिकारी महोदय के पास आए हैं? कारण यह है जी, कल मेरे लड़के ट्रैक्टर ट्राली लेकर कोसी से खरौट गांव में गए थे। वहां मेरी मशीन रीपर मशीन भुस बनाने वाली मशीन खड़ी थी, उसकी रिपेयर का टाइम आ गया, उसको लेने ये लड़के तीन लोग गए थे। और वहां जा करके करीब 12 बजे के आसपास वो ये लोग जब उन मशीन ट्रैक्टर रीपर को लेकर के आ रहे तो वहाँ महेंद्र सनोप लखीराम, गौरव सनोप महेंद्र, तरुण सनोप महेंद्र, शिवराम राजू सनोप शिवराम, सुंदर सनोप बलवीर सिंह, ये लोग सब बाइकों पे आए। नहर के करीब आकर के इन लोगों ने अपनी बाइक अपने ट्रैक्टर के आगे लगा दी और इन लड़कों से बोला कि साले ट्रैक्टर से नीचे उतरो नहीं तो तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। ये भयभीत होकर के बहुत गमहीन होकर के इन्होंने बहुत बातें करी, लेकिन भाई हमारे साथ ऐसा मत करो, लेकिन बोले नहीं साले गोलियों से भून डालूंगा। महेंद्र ने बोला जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर छोड़ो। ये बेचारे घबराहट लेकर के ट्रैक्टर से नीचे उतर गए, पैदल पैदल आए और वो ट्रैक्टर ट्राली रीपर और दो जाल को लेकर के चले गए। क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश है उनसे? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, कोई मकसद नहीं था, कोई हमारा कोई लेना देना नहीं। ये लोग दबंग हैं? ये दबंग हैं, बड़े आतंकवादी हैं, इनका पूरे गांव में ये गुंडागर्दी का रोज छाया हुआ है और ये काफ़ी दिनों से इनका यही हाल है। आपने क्षेत्राधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया, शिकायत पत्र दिया है, क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? ये कहा कि देखो आपकी सुनवाई होगी, आपका ट्रैक्टर दलवाया जाएगा और इन लोगों को जेल भेजा जाएगा कानूनी।